सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ा हैरान करने वाला ताजा मामला सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री को किसी ने पीछे से धक्का मारा, जिससे गिरने से उसके सिर पर चोट लगी है, नाक पर भी चोट आई है, खून निकल रहा है। हालांकि आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर में 3 और नाक पर 1 टांके डॉक्टर ने लगाया है, कुल 4 टांके लगे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद भी किसने मुख्यमंत्री को धक्का मारा है। इस बात को लेकर इस समय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हर ताजा खबर आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आवश्यकता पड़ने पर शेयर जरूर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी जगह ताकि हर सभी तक ये खबर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को अपने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने घर में मौजूद थी, तभी वो अचानक गिर जाती है और उनके सिर में गंभीर चोट लग जाती है। उन्हें आनन फानन में SSKM अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 टांका लगाते हैं, कुल 4 टांके लगते हैं। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जब SSKM अस्पताल के डायरेक्टर मणिपोय बंदोपाध्याय से बातचीत की गई थी, तो उन्होंने बताया कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया था, जिसके कारण वो गिर गई और उनके सिर पर गंभीर चोट आई है और जिसकी वजह से खून भी निकल रहा है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेडरूम में कौन घुस गया था। Z+ सुरक्षा होने के बावजूद भी उन्हें किसने धक्का दे दिया है। इस समय रिटायर्ड IGP पंकज दत्ता ने कहा है कि ये सुरक्षा का चूक का मामला है। पुलिस इस वक्त मुख्यमंत्री के घर में मौजूद सभी CCTV फुटेज खंगाल रही है। घटना के बाद मुख्यमंत्री की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे उनके माथे पर चोट लगी और खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बड़ी दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इधर TMC नेता सुखेंदु शेखर ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बंगाल CM का हालचाल पूछा है और इस घटना पर काफी दुख भी जताया है। इसके अलावा बंगाल के वर्तमान राज्यपाल CV आनंद बोस SSKM अस्पताल पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। यह तरेंगे ताजा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज के साथ।